फाइनली भैया घर आ गए। इंडियाज बेस्ट डांसर पेर अमन शाह। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड माय अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग, जैसा कि आप समझ गए होंगे टाइटल देख के और थंबनेल देख के कि आज का व्लॉग क्या होने वाला है, जी हाँ, आज जो है गौतम भारद्वाज भैया यानी कि जो अविनाश रोहान सर के बड़े भैया हैं वो जो है आने वाले हैं घर 2 साल के बाद। दुबई गए थे जॉब के लिए, तो दुबई से 2 साल बाद घर आ रहे हैं। तो हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और मेरे को मतलब ना सडनली मेरे को मतलब प्लान बहुत कुछ करना था लेकिन टाइम नहीं मिला प्लान करने का। तो सडनली सारी चीज़ें मतलब सारी भी क्या मतलब अभी एक फटाफट से जाते हैं और एक केक लेके आ जाते हैं, थोड़ा सा भैया को भी जो है सरप्राइज़ दे देंगे। और भैया ने मुझे बताया नहीं है कि भैया आ रहे हैं, अब मुझे नहीं पता भैया को पता है ये चीज़ की, गौरव को पता है या नहीं पता, मतलब भैया ने बताया नहीं, मेरे को नहीं बताया और मुझे यहीं से घर से ही पता चला। तो मैंने सोचा बहुत कुछ था कि थोड़ा सा अच्छे से करेंगे लेकिन टाइम नहीं मिला, मैं अभी बिज़ी था इधर उधर, लेकिन फटाफट से मैंने टाइम निकाला अभी और फटाफट से मैंने सोचा कर लेते हैं। अभी पता चला मुझे कि भैया पहुँचने ही वाले हैं यहाँ पर। पहले ऐसा था कि भैया शायद कल पहुँचेंगे क्योंकि भैया डेली रुक के आए हैं ना, तो चलो जैसा भी रहेगा। फाइनली भैया घर आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी दिल से कि भैया आ रहे हैं। भैया के साथ में मेरा एक बहुत अच्छा बॉन्ड है तो मज़ा आने वाला है। तो जितना भी सेलिब्रेट करेंगे आज वो करेंगे। और मैं अभी व्लॉग शूट कर रहा हूँ अविनाश के फ़ोन से, मैंने अभी को बोला कि मैं तुम्हारे फ़ोन से शूट कर लूँ तो उसने अपना फ़ोन दे दिया शूट करने के लिए, क्योंकि मैं कैमरा वैमरा लेके नहीं आया था, मैं अपने काम से आया था और कैमरा मेरा घर पर ही है। तो चलो मज़े करते हैं। केक, और केक लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। और एक प्यारा सा केक दिखा है मुझे यहाँ पे, यूनिक सा है, मतलब नया है, मैंने तो नया ही देखा है, वो दिखाता हूँ आपको, वो चेक करो आप। तो ये देखो भाई, ये केक है बड़ा प्यारा सा और इस पर सबसे यूनिक चीज़ पता क्या है, दिख गई होगी आपको, ये छेती बना रखी है इतने प्यारे तरीके से। भैया किस चीज़ से बना रखी है छेती? ये रेडीमेड, रेडीमेड है, खा सकते हैं इसे? नहीं, ये खाने वाला नहीं, खाने वाला नहीं, जैसे गांव में होते हैं ना। अच्छा, मेरे को लगा चॉकलेट से बनी है। नहीं, अरे वाह, मतलब खानी नहीं है ना इसे? हाँ, ये चॉकलेट खा सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो कितना कितना प्यारा है ये, वाह, मतलब मैंने पहली बारी में ये देखा तो ये पसंद आ गया। ठीक है, केक को खाने के बाद इसका रिव्यू क्या? ठीक है, तो भैया ने कहा है, अभी मैं व्लॉग बना रहा था ना, मैं शूट कर रहा था, तो भैया ने कहा है कि अपने चैनल को मतलब इस पे सर्च कर लो। तो ये वाला है भैया, ये है, ये आपको देख लेना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। ये देखो आपका व्लॉग भी आ जाएगा। तो ये जो मैं बेकर्स में आया हूँ ये है भारद्वाज बेकर्स, ऐसे मैंने बाहर से भी दिखा दिया, 6 नंबर पुलिया चौक से थोड़ा सा पहले आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे केक रहते हैं, मैं कई बार लेके जाता हूँ बट व्लॉग आज फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। और ये 2 पार्टी पॉपर लिए है मैंने, कैंडल्स भी रख दो भैया इसमें। चलो जी, केक ले लिया है और चलते हैं। चलो जी, ज़्यादा कुछ तो लेके नहीं आए बट हम एक नॉर्मली केक और एक पार्टी पॉपर लेके आए हैं क्योंकि टाइम नहीं मिला था। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है भैया के आने की। भैया हमें सरप्राइज देंगे हम भैया को। ये भैया ने यहाँ पे देखो मेरी पूरी भांग लेके आया था, मैं पूरी कटोरी खा दी, बहुत टेस्टी है भांग। जो पहले हम गांव में बुखड़े बनाते थे उसमें भांग भंगजी तिल डालते थे, आज वही बचपन याद आ रहा है, सर्दियों में क्या खाते थे, थोड़ा चीनी और दोनों जेब भरे होते थे मेरे, और मैं क्रिकेट खेलने में जाता था तो दोनों जेब मेरे बुखड़ों से भरे होते और मैं खाता रहता था। तो चलने मेरा इंटरव्यू, तो आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, सही बोला? मैं पूरे हिमवास फैमिली का शुक्रिया कहना चाहूँगा, शुक्रिया अदा या उनको थैंक यू कहना चाहूँगा सारी हिमवास फैमिली को कि आप हमारे उत्तराखंड के प्रोडक्ट को एक नई पहचान पूरे विश्व में दिला रहे हैं। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आने वाले टाइम पर आप भी देश और विदेशों में आपका बहुत बड़ा ब्रांड। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इस उपलक्ष्य में आपको ये
20 ग्राम भांग दिया जाता है, वैसे भी उस पर 1 किलो 20 ग्राम ज़्यादा था। हाँ तो भी ज़्यादा था इसलिए मैंने निकाला। तो दोस्तों भैया ने कहा कि भैया का इंटरव्यू लूँ मैं, तो गौतम भी ISBT पहुँच चुके हैं और अभी ISBT लेने जा रहे हैं गौतम भैया को। तो भैया ने कहा मेरा इंटरव्यू लो, तो मैं भैया को ये पूछना चाहूँगा कि आपका छोटा भाई फाइनली 2 साल बाद घर आ रहा है एक दूसरे देश से, शहर भी नहीं देश से, तो कैसा आपको प्रतीत बताना जरूरी था। हम पहाड़ी है, हम पहाड़ी है, हम पहाड़ी है हम पहाड़ी है। परसों मतलब 1 महीना पुराना परसों होता है हमारा। 16 तारीख को तो मेरे को हुए थे 2 साल, जितना भी है 2 साल होने के लिए 2 महीने बचे हुए थे। ठीक है, आपका कैसा प्रतीत हो रहा है भैया आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा छोटा भाई 2 साल बाद आ रहा है। वो घर की परिस्थितियों को देख के अपने परिवार से हम मतलब सबसे दूर दूसरे देश में काम करने गया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत समझदार है और वो बहुत प्यारा भाई है मेरा, क्योंकि वो अपने भाई का बहुत आदर करता है, रिस्पेक्ट करता है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो आ रहा है और मैं पलके बिछाए बैठा हूँ। बिछाए भैया पूरा ना वो वाला वो इंटरव्यू दे रहे, कौन सा देशभक्ति, देशभक्ति बिछाए बैठा हूँ मैं उसके आने पे। और मुझे बहुत खुशी हुई आज, आज फिर से हम चारों भाई एक साथ खाना खाएंगे, वरना 2 साल से मुझे खाना मुझे लगा ही नहीं कि मैं खाना खा रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक भाई दूर 7 समंदर पार है। तो आज हम फिर से एक साथ बैठकर खाना खाएंगे एक ही थाली में, अब अविनाश को छोड़ के नहीं, अविनाश और रूहान सर को छोड़ के, इनको बुखार आ रहा था दोनों को तो और पे भी हो जाएगा। और ये कई सारी बातें आज गौतम भैया को भी पता चल गई होंगी इस ब्लॉग के माध्यम से। मैं कुछ चीजें हैं मैं जिसको मैं बाहर बयान नहीं करता हूँ, डिस्क्लोज नहीं करते, और क्योंकि मैं एक बहुत एक्सप्लोर डिस्क्लोज मेरे आइडल मेरे सामने खड़े हैं मिस्टर खेमराज, जो मेरे जीजा जी हैं और बड़े भाई की तरह मैं उनको मानता हूँ, वो मुझे अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं। मेरे लिए कभी कोई कमी नहीं की इन्होंने, और हो सकता है कल मुझे जॉकी का पूरा ट्रैक सूट और वो दिलाएं। तो मेरे बड़े भाई और मेरे जीजा जी मेरे पिता तुल्य। अभी थोड़ी देर पहले ये मुझे सिखा रहे थे कि किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखो, अब देखो खुद कितनी ज्यादा विश्वास है ये। तो मैंने भी यही बोला था कि ये विश्वास बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए किसी से, लेकिन हम उन्हीं से उम्मीदें रखते भैया जिनसे हमें भरोसा या विश्वास होता है, जिन पे मैं उम्मीदें किसी ने अभी रखी नहीं रखता हूँ। मेरा हाथ दिलाएंगे, दिलाने वाले हैं, नहीं दिलाएंगे। नहीं और ये थोड़ा सा हमारा पार्टी पॉपर फूटा नहीं था तो हमने ऐसे ही उड़ा दिया। चलो भाई तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे वेलकम सॉन्ग नहीं है कोई, रिलैक्स भी डालो उसके ऊपर। वी विश यू खिले हैं गुलशन, गुलशन खिले हैं गुलशन। बनाते हैं और इनको देखो भैया है, भैया को खाना खिलाने के लिए पहले खुद पिज्जा खा रहे हैं, पिज्जा खाने बैठ गए भैया। आपको झूठा नहीं खा रहा देखो। अरे बुखार आ रहा है इन सबको भैया। कैसा लग रहा है फिर? मुझे बहुत फील हो रहा है, फीलिंग आ रही है। फील हो रहा है क्या? फील हो रहा है? फाइनली भैया घर आ गए। नमकीन फेवरेट चॉकलेट है ये, किटकैट बहुत अच्छी लगती है मुझे, और ये केक जिसने भी डिजाइन किया बहुत ही सुंदर केक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके कैसा लग रहा है फिर घर आके? कैसा लग सकता है 2 साल बाद आपसे मिलकर, घर वालों से मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और खैर मैं ऑलरेडी रो गया हूँ ISBT में, इसलिए मैंने सोचा दोबारा नहीं रोऊंगा। मेरे को देख के नहीं रो रही? नहीं मम्मी को देख के रहा है बस। तो हेलो गाइस, सेम व्लॉग अनदर डे। और अभी हम दिन में अभी मॉर्निंग से कहीं शूट में गए थे तो वहाँ से आए
और अभी खा रहे हैं यहाँ पे चिकन भात, अंकल जी ने बनाया बहुत टेस्टी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है गौतम भैया आए हुए हैं और आज हमारे साथ में एक और आए हुए हैं स्टार अविनाश भारद्वाज, इंडियाज बेस्ट डांसर फेम अमन शाह। सीजन टू था, इसने सही नाम बोला, तो मैं देखता था ना सीजन टू था, सीजन वन, सीजन वन थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इंडियाज बेस्ट डांसर था। तो अमन, अमन आया है साथ में अमन के राहुल भाई ऋषिकेश से, गौतम भैया तो आए ही है, जैसा आपने देखा गौतम भैया को हमने वेलकम किया था, अविनाश और ये सर, और ये हम चिकन खा रहे हैं मस्त, मेरे फोन से चल रहा है चिकन भात, अविनाश के फोन से ही चल रहा है ये वाला पूरा ब्लॉग, बताना जरूरी है नहीं तो अविनाश बुरा मान जाएगा। चलो अभी चिकन भात खाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ये है अमन का फोन, ये फोन लेना सबका ड्रीम होता है, और अमन अभी सिर्फ 22-23 साल का है, इतनी सी एज में इसने अपना ड्रीम पूरा किया है और बहुत ही एक्सपेंसिव फोन है, तो अमन को बहुत बहुत बधाई इसके लिए, और रियली आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। फाइनली ये नीचे से इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 लंबी गहरी सी सांस लेते हुए फाइनली भाई ये बराबर ही तो हैंडी उतने ही तो जितना ले नहीं हैंडी पापा बहुत मैं बोला।